चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको टर्म्स कंसेप्ट्स एंड वैल्यूज यानी कि इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी नाम की किताब कमलजीत 11th क्लास एनसीईआरटी की पहली किताब का दूसरा चैप्टर हम करा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? टर्म्स कंसेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी, है ना। किताब का नाम बताने वाली थी इसलिए मैंने आपको आपका नाम पुकारा, उसका कोई कारण था। मैं जिसका नाम लूँ उसका रीज़न होता है। तो इस किताब के तहत इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए थे ताकि आपको टर्म्स और कंसेप्ट्स के और करीब जाने का मौका मिले। चैप्टर कंटेंट के बाद आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो एक चीज़ बिल्कुल तय है कि हम ह्यूमन की सोशल लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जब हम सोशियोलॉजी में बात कर रहे हैं सोसाइटी की, तो हम ह्यूमन सोशल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। और ह्यूमन की सोशल लाइफ एक पर्टिकुलर एलिमेंट से डिफाइन होती है, एक ट्रेट से डिफाइन होती है, दैट इज़ टू कम्युनिकेट। हम इतनी देर से, ये लेक्चर बिगिन करने से पहले कम्युनिकेट कर रहे थे और मैंने कम्युनिकेशन के माध्यम से रंजीत क्या कर दिया, कुछ थॉट्स अपने आप तक पहुँचा दिए, कुछ आपके बॉडी रिएक्शंस के माध्यम से मैंने आपके थॉट्स समझ लिए। आने वाले समय में आप अपने थॉट्स भी रखेंगे जब आप इस क्लास के एटमॉस्फेयर को समझ लेंगे कि यहाँ पे लिबर्टी दी जाती है, बात रखने का मौका दिया जाता है। तो हम इंटरेक्ट करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, और इस इंटरेक्शन, इस कम्युनिकेशन का एक नतीजा क्या निकला रंजीत? आज हम दोनों ने मिलकर के एक कलेक्टिविटी को जन्म दिया, यानी कि हमने एक ग्रुप बनाया। वो कौन सा ग्रुप बनाया? एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप, प्रेपरेशन से रिलेटेड ग्रुप, जिसमें मैं आपका मेंटर हूँ, आप मेरे मेंटी हैं, मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हूँ। क्योंकि हम कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि हम इंटरेक्ट कर पाए, मैं अपनी वैल्यूज़, अपने थॉट्स, अपनी टीचिंग्स आप तक पहुंचा पाया, आप अपनी डिज़ायर्स मुझ तक पहुंचा पाए, आप अपने फ्यूचर एस्पिरेशंस मुझ तक पहुंचा पाए, ये सब हम कम्युनिकेशन के माध्यम से कर पाए। तो हमने एक ग्रुप बनाया, हमने कलेक्टिविटी को जन्म दिया। वी आर नाउ क्रिएटिंग अ कलेक्टिविटी, दैट कलेक्टिविटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। ये पॉसिबल हो पाया ना? इसी तरह से समाज कोई भी हो, चाहे प्राचीन हो एंशियंट, चाहे सामंतवादी हो यानी कि फ्यूडल, और चाहे मॉडर्न हो यानी कि नवीन समाज, इन सभी समाजों में एक चीज़ आपको हमेशा नज़र आएगी। चाहे हंटिंग गैदरिंग की सोसाइटी हो, चाहे एग्रीरियन सोसाइटी हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, एक चीज़ नज़र आएगी, वो है ग्रुप्स, कलेक्टिविटीज़। हम समय समय पर ग्रुप्स में आते हैं, नई नई कलेक्टिविटीज़ को जन्म देते हैं, ये एक चीज़। लेकिन दूसरी चीज़, ऐसा नहीं था कि रंजीत हमेशा से ही इस कलेक्टिविटी को जन्म दे रहे थे, इस ग्रुप का पार्ट थे। कुछ दिन पहले तक वो तैयारी में नहीं थे, वो किसी और ग्रुप का पार्ट थे, जैसे कि उस ग्रुप का पार्ट वो आज भी हो सकते हैं, यानी कि वो जिम जाते थे, उनका एक ग्रुप वहाँ भी था, एक कलेक्टिविटी उन्होंने वहाँ भी बनाई, आज उसका पार्ट वो आज भी हैं। तो डिफरेंट समय में, डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट ग्रुप फॉर्म कर रहे थे वो, आज डिफरेंट टाइम में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में एक डिफरेंट ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। तो सभ्यताएं कोई भी रही हों, समय यानी कि कालखंड कोई भी रहा हो, लेकिन एक बात तय है कि ग्रुप्स बनते हैं, कलेक्टिविटीज़ बनती हैं। लेकिन ये भी तय है कि लोग अलग अलग हैं तो फिर ग्रुप्स भी अलग अलग बनेंगे, लोग अलग अलग हैं तो ग्रुप्स भी अलग अलग बनेंगे, अलग अलग पर्पसेस के लिए, इसे भी हमें समझना है। तो इसी तरह से ह्यूमन की इस सोशल लाइफ को हम समझते हैं अलग अलग मायने से, कई सारे तथ्य इससे जुड़े हुए हैं। एक तरीका है कि मैंने पहले बताया, इंडिविजुअल के वाया आप सोसाइटी को समझ लें। एक तरीका है लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कास्ट को, क्लास को समझें तो इंडिविजुअल तक पहुंच जाइए। ये तरीका है, आप कैसे भी करके समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था रंजीत कि हिस्ट्री एंड बायोग्राफी सोसाइटी में साथ साथ चलती है। हर इंडिविजुअल की बायोग्राफी उस समय की सोसाइटी की हिस्ट्री बना रही है, और हर उस समय की सोसाइटी की हिस्ट्री एक इंडिविजुअल की बायोग्राफी को जन्म दे रही है। जैसे मैंने नीरज चोपड़ा का उदाहरण दिया था, और भी कई उदाहरण लिए थे। तो इंडिविजुअल और सोसाइटी एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, इसे हमें समझना है, इसे स्टडी करना है। सोशियोलॉजिस्ट इसी को स्टडी करते हैं, और इसके लिए हम कई बार इंडिविजुअल से अप्रोच कर लेते हैं सोसाइटी को समझने के लिए, कई बार लार्जर बॉडीज़ जैसे कि कास्ट, क्लास, जेंडर, इसके बाय अप्रोच कर लेते हैं इंडिविजुअल को समझने के लिए। इन सबको समझने में जो मदद देती है हमें चीज़, वो ग्रुप्स हैं। हम ग्रुप्स को स्टडी करके बहुत सी परिस्थितियों को समझ लेते हैं।
अब ये जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप्स को कई तरह से समझा गया है, अलग अलग टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स के मामले में भी आप गलती कर लेते हैं कि शायद आप ग्रुप में हैं, इसको समझना ज़रूरी है। तो एक शब्द निकल कर के आता है, जब हम सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट में ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम बात सोशल ग्रुप की कर रहे हैं, सोशल ग्रुप, क्योंकि हम ह्यूमन की सोशल लाइफ को स्टडी कर रहे हैं सोसाइटी में। तो हम सोशियोलॉजी के वाया सोशल लाइफ को जब स्टडी कर रहे हैं, हमें सोशल ग्रुप को स्टडी करके ही कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज मिल पाएगी, अदरवाइज समस्या रहेगी। तो फिर यहाँ पर यह समझना ज़रूरी नहीं हो जाता कि सोशल ग्रुप कौन होता है, सोशल ग्रुप क्या होता है, क्या सारे इकट्ठ सारी भीड़ सोशल ग्रुप ही हो जाती है? ऐसा नहीं है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना यहाँ पर ज़रूरी है। जैसे कई बार ये ऐसा हो जाता है कि जब हम मैथ क्लास की बात कर रहा था तो मैं अपना और रंजीत का उदाहरण दे करके ये तो बता दिया कि हमने एक ग्रुप, एक कलेक्टिविटी बनाई, लेकिन जब रंजीत नीचे सड़क पर थे और ऊपर क्लास की ओर आ रहे थे, 10 लोग और उनके साथ चलते जा रहे थे, लेकिन हो सकता है रंजीत उन्हें ना जानते हो, वो रंजीत को ना जानते हो, लेकिन दसों के दसों लोग एक दिशा में चल रहे थे, एक उद्देश्य की ओर जा रहे थे। उद्देश्य ये था कि दसों के दसों लोगों को सीढ़ियाँ चढ़नी थी या फिर बस पकड़नी थी, पर आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे। इनफैक्ट हो सकता है रंजीत को ये भी पता नहीं था कि वो 10 लोगों के साथ आगे बढ़ रहा है, वो एक ग्रुप का हिस्सा भी है, वो टोटली अनअवेयर्ड हो कि वाकई में यहाँ पर कुछ है भी। तो मुद्दा ये है, और आज के वो 9 लोग, रंजीत तो 10 का एक हिस्सा है, आज के वो 9 लोग कल नए 9 हो सकते थे, पिछले दिन भी 10, अगले दिन भी 10, लेकिन वो हर रोज़ बदल रहे हैं। और रंजीत हो सकता है एक महीने तक इसी 10 लोगों के ग्रुप में, जो हर 9 और हर रोज़ बदल रहे हैं, आगे बढ़ें बिना इन्हें जाने, तो जानने की ज़रूरत भी नहीं। ठीक इसी तरह से बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन में, क्रिकेट स्टेडियम में, ग्राउंड में, हर जगह पर आपको ऐसे एग्रीगेट्स नज़र आते हैं, लोगों के इकट्ठ ऐसा क्राउड नज़र आता है। गलती ना कर लें कि वो ग्रुप है, इट इज़ नॉट एट ऑल अ ग्रुप। इसे फिर हम क्या कहेंगे? इट इज़ अ कॉसी ग्रुप, इट इज़ अ कॉसी ग्रुप। तो फिर इससे अलग होता है सोशल ग्रुप, वो समझने के हम प्रयास कर रहे हैं कि सोशल ग्रुप क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जब सोशल ग्रुप और कॉसी ग्रुप समझ लेंगे, फिर हम आगे बढ़ के टाइप्स ऑफ ग्रुप्स समझेंगे। ओके, कई तरह के ग्रुप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स, ये मैंने बताया था, जैसे कि कम्युनिटी और एसोसिएशन और सोसाइटी, जैसे कि पीयर ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, अलग अलग ग्रुप। तो जब हम सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी की बात करते हैं तो सोशल ग्रुप के कुछ एलिमेंट होंगे। जैसे पहले मैं एक डेफिनेशन पढ़ता हूँ, समझाऊंगा मैं उसे बाद में, क्या है डेफिनेशन उसको ध्यान से समझते हैं। सोशल ग्रुप कौन होगा? कोई भी वो ग्रुप सोशल ग्रुप होगा जिसकी डेफिनेशन ये होगी, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग पर्संस हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग पर्संस। वी बोथ, आई एंड रंजीत, वी आर कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट। आर इंटरेस्ट इज कॉमन। वट इज़ द इंटरेस्ट? प्रेपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। इनका और मेरा इंटरेस्ट सेम है, ये सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, मैं सोशियोलॉजी पढ़ाना चाहता हूँ। दोनों का पर्पज़ क्या है? सिविल सर्विसेज में आए हुए क्वेश्चंस को रिजॉल्व करना। तो हम कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं, हम रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्टिंग पर्संस हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट, कल्चर, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स विद इन अ गिवन सोसाइटी। तो हम कल्चर, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, कल्चर कहाँ से आएगा? यहीं से कल्चर आएगा जब हमारे इंटरेस्ट सेम होंगे। और उसका कल्चर वही है कि डिसिप्लिन में पढ़ना है, प्रतिदिन पढ़ना है, कॉन्स्टेंट एंड कंसिस्टेंट। तो इसलिए IAS की तैयारी वाले अलग ही दिख जाते हैं, आपको दिख जाते हैं, और आप बताते हैं कि यार मैं अब जिस नए कल्चर में हूँ उसमें ये नहीं कर पाऊँगा जो मैं 2 महीने पहले कर रहा था, शायद ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि आपके पहले के कल्चर नए तैयारी वाले कल्चर से कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हों, और आप उसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि वट इज़ दिस हैपनिंग अराउंड, क्योंकि ट्रांजिशन हो रही होती है ना, कुछ कल्चर्स डिस्ट्रॉय होकर के, डिस्ट्रक्ट होकर कुछ नए कल्चर्स बन रहे होते हैं। आपके बहुत से रिलेशनशिप्स भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, मैं आपको ये बता दूँ,
ख़ास तौर पर पहले के एग्जिस्टिंग फ्रेंडशिप्स और बाकी चीज़ें, क्योंकि नए कल्चर में वो कहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहे होते, क्योंकि आपकी बातें, आपकी डिस्कशंस, आपकी डिबेट्स उनकी समझ के परे चली जाती है और उनकी आपसे एक्सपेक्टेशंस अब आप फुलफ़िल कर नहीं सकते, तो ये भी हो रहा होता है। ये सब कुछ एक एस्पिरेंट फेस करता है एक चैलेंज के तौर पर, लेकिन उसे लग रहा होता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, या दूसरा उसे ये लगता है उसी के साथ हो रहा है, जबकि ये तो एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है। तो आप तब हैं ग्रुप जब आप कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग पर्सन हैं हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट कल्चर, फिर वैल्यूज़ भी तैयारी की अपनी ही है ना, तैयारी की अपनी वैल्यूज़ हैं, आपका एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है इसमें, उसमें ये है कि भाई आपको सिलेबस इस सेंस में कवर करना है, उसके रेगुलर नोट्स बनाने हैं, सेमिनार्स कवर करने हैं, डिबेट डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना है, इस तरह की दिनचर्या फॉलो करनी है, तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ से एक वैल्यू सिस्टम डेवलप होगा कि मुझे सोच कैसी रखनी है समाज के प्रति। तो सिविल सर्विसेज में हो तो सिविलाइज्ड बिहेवियर करना है लोगों के साथ, ऐसा ना लगे कि आपको देखे किसी को लगे कि भाई ये तो अव्वल दर्जे की टपोरी है और इसकी बातचीत, इसका व्यवहार तो बिल्कुल उसी स्तर का है। तो आपके कृत्यों में नज़र आना जरूरी है, ये तभी होगा जब आपके वैल्यू सिस्टम में वो आ जाएगा। एंड नॉर्म्स, तो फिर नॉर्म्स हैं एक सेट, एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर, मैंने वही फिर से बात बताई, तो वैल्यू से ही नॉर्म्स खड़े हो रहे हैं, तो नॉर्म्स आपके सामने निकल करके आएंगे क्योंकि तैयारी कुछ मांगती है। मैं आपसे पहले दिन समझाता हूँ कि इस तैयारी की जो मांग है उसे पूरा तो करना पड़ेगा भाई, अगर तैयारी की मांग पूरी नहीं करोगे तो तैयारी में नहीं रह पाओगे। तो हमसे पता क्या होता है, हमसे ये कल्चर वैल्यू और नॉर्म्स तैयारी वाला फॉलो नहीं हो रहा होता, हम इसे टेम्पर करके अपने मुताबिक बदल रहे होते हैं कल्चर वैल्यू और नॉर्म्स। जब लंबे समय तक कुछ संस्थाओं ने देखा कि ये तो अपने कंफर्ट का कल्चर वैल्यू नॉर्म चाहते हैं, तो उन्होंने अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया खूबसूरत फीस के पैकेज बना के आपकी मर्जी मुताबिक कल्चरल वैल्यू नॉर्म दे दिए। आपको पूछा कितने महीने में करना रे बाबा, आपने बोला मेरे को तो 10 में करना रे, तो उसने 10 वाला पैकेज जेब दिया। कितने महीने में करना बाबा, 8 महीने वाला, इसको 8 वाला दो रे। कितने में करना रे बाबा, सर मेरे को लंबा करना है, मेरे को घर से कोई फाउंडेशन नहीं है, मैं पूरा फ्री हूँ, इसको 2 साल वाला फाउंडेशन दे रहे बाबा। तीनों एक ही घर, तीनों एक ही गाड़ी में आए सब, एक को फाउंडेशन चेपा, एक को 10 वाला, एक को 8 वाला। जब उसको फाउंडेशन करना ही है, ये कौन सा विश्वकर्मा का रूप है भाई जो 8 महीने में चेप लेगा पेपर को, है कि नहीं, इसको भी फाउंडेशन देना रे। तो उसको फाउंडेशन दिया ही नहीं, उसको 8 महीने, कितने वाला करना रे, मेरे को तो क्रैश ही करना है, तो क्रैश कोर्स 3 महीने वाला। हो सकता है तैयार हो, सब कुछ हो, लेकिन अलग बात है। तो इस तरह से वो बन गया, कहते भाई अपन से तो वो वैल्यू नॉर्म फॉलो नहीं होता रे, अपन को तो वही चाहिए जो अपन का वैल्यू नॉर्म है, इसके मुताबिक कुछ है तुम्हारे पास तो दो, कुछ नहीं है तो हम जा ले रहे। ओके, ये एक सोशल ग्रुप है जिसमें आप एक कलेक्शन की फॉर्म में हैं और वो कलेक्शन के कुछ नियम हैं, आप रेगुलरली इंटरेक्ट करने चाहिए। आपको पता है रेगुलर इंटरेक्शन क्यों रिक्वायर्ड होती हैं? आपको पता है कि एक लाइन अमूमन यूज़ क्यों होती है, कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? ये वैसे सोशोलॉजिस्टों की बनाई हुई बात है और ये लॉजिकल है, ये रैशनल है, साइंटिफिक है। कम्युनिकेशन गैप आ जाने से रेगुलर इंटरेक्शंस के चैनल्स ब्रेक होते हैं और रेगुलर इंटरेक्शंस के चैनल ब्रेक होने से सोशल ग्रुप का स्ट्रक्चर टूट जाता है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्लास रूम, दिस सोशल ग्रुप? द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सोशल ग्रुप is the regular and repetitive interaction between the mentor and mentee about the different aspects, the dimensions and requirements of the examination. Only then you will work in the direction of preparation, you will think about the preparation, you will feel about preparation, you will do everything about preparation. Then you will remain on the path of preparation. When you are remain on the path of preparation, then ultimately आप उस बिल्डिंग ब्लॉक में वहीं हैं जहां पर आपकी जगह थी। तो ये तभी हो पाया अगर स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है, ये तभी हो पाया अगर स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है। और यहां पर स्ट्रक्चर का कंसेप्ट, सोशल स्ट्रक्चर वर्ड सोसाइटी में कैसा है, द रेगुलर एंड रिपीटेटिव इंटरेक्शन। व्हाट डू मीन बाय द रेगुलर एंड रिपीटेटिव इंटरेक्शन? द रेगुलर सिस्टम ऑफ इम्पार्टिंग वैल्यूज, इम्पार्टिंग नॉर्म्स, इम्पार्टिंग एजुकेशन, इसी तरह से सोसाइटल स्ट्रक्चर्स मेंटेन किए गए लंबे समय तक जातिवाद के, रोज रोज इंटरेक्ट करके उन्हें बताना तुम्हारी जगह नीचे है, पाँव में बैठो, दबाओ, दूर बैठो, उसको छू लिया तो हाथ धो,
स्नान करो, या रेगुलर रेगुलर करते 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 ही उसे मेंटेन रखा गया इतने हजारों वर्षों तक, तो स्ट्रक्चर जिंदा रह पाया उस इंटरेक्शन के दम पर। यदि 2 महीने तक ये इंटरेक्शंस छोड़ दी जाती तो स्ट्रक्चर सर्वाइव नहीं कर पाता। इसलिए जाति सूचक शब्द कृत्य संविधान और नियमों के तहत अब बैन कर दिए गए हैं ताकि ऐसे स्ट्रक्चर सर्वाइव ना कर पाएं। तो द थिंग इज रेगुलर इंटरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। जो मैं रेगुलर इंटरेक्शन रंजीत से कर रहा हूँ, वो कितने भी डिविएट हों, आप कितने भी डिविएट हों, आप वापस से रीअलाइन होंगे किसकी तरफ, प्रेपरेशन की तरफ। दैट माई एम, दैट माई गोल इज प्रेपरेशन। दैट्स वाई कम्युनिकेशन गैप इज बैड, कम्युनिकेशन गैप इज नॉट गुड। आई बात समझ में? इसी तरह से हम एक फैमिली में जब होते हैं तो हम एक तरह का स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं एज अ ग्रुप, इसलिए वहाँ पर बड़ों का छोटों के साथ और बच्चों का माता पिता के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है कि कहीं कोई आदमी ध्वस्त ना हो जाए, किसी दिन टूट ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। और ये तब होगा, फैमिली तब ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी, जब वो इंटरेक्शंस के माध्यम से स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रखा जाएगा। लेकिन इंटरेक्शंस होती रहेंगी, स्ट्रक्चर ऑलवेज मेंटेन रहेगा। आई बात समझ में? सच इंटरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द स्ट्रक्चर, दे आर एक्चुअली स्ट्रक्चर। ओके, सो सिंपल डेफिनेशन, सोशल ग्रुप क्या है? जो ये एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, जो कलेक्शन ऑफ पीपल में सबसे पहली बात यह है कि उनका रेगुलर इंटरेक्शन होती है, कंटिन्यूस इंटरेक्शन है। और इंटरेक्शन का पर्पस क्या है? उनके इंटरेस्ट शेयर्ड है ना भाई, और जब इंटरेस्ट ही शेयर्ड हो गए, इनका और मेरा इंटरेस्ट ही जिम है, तो इनका और मेरा कल्चर क्या है? जिम कल्चर। तो हमारे सुबह उठने की, रात को सोने की रूटीन, बॉडी को रेस्ट देने की रूटीन, एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करने की रूटीन, डाइट न्यूट्रिशन की रूटीन बिल्कुल सेम होगी। तो घर वाले, दोनों के घर वाले जब मिलेंगे तो बात करेंगे, उधर उसका भी यही हाल है, इसका इधर भी, इधर भी इसका, तो दोनों एक कल्चर प्रेजेंट कर रहे हैं ना। द कल्चर इज समवेयर द बॉडी बिल्डिंग कल्चर, द जिम कल्चर, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट क्या है? शेयर्ड है। आई बात समझ में? जैसे ही दोनों के इंटरेस्ट अलग कर दूंगा, एक जिम और एक IS, फिर दोनों कल्चर भी अलग होने लग जाएगा। आई बात समझ में? फिर एक दूसरे को ये कह सकता है, तू बहुत प्रैक्टिकल हो गया आजकल, है सही बात है, बड़ा अपने बारे में सोच रहा है। इस वर्ड का भी लॉजिकल मीनिंग सिखाऊंगा, यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्ड का मीनिंग आई विल टेल यू, कि ये भी बात साइंटिफिकली प्रूवन है। आई बात समझ में? तो द थिंग इज कि शेयर्ड इंटरेस्ट है, इसी की वजह से कल्चर, इसी की वजह से एक वैल्यू सिस्टम है, नॉर्म्स हैं जो हमारे कॉमन होंगे। तो हम एक सोशल ग्रुप हैं, जहाँ ये नहीं है वहाँ पर भीड़ है, उसे हम सोशल ग्रुप नहीं कह सकते, इट इज़ अ कॉसी ग्रुप। ओके, तो कॉसी ग्रुप की डेफिनेशन भी है, इट इज़ एन एग्रीगेट और कॉम्बिनेशन विच लैक्स स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। नो स्ट्रक्चर, नो ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन, देर वी बोथ आर इंटरेक्टिंग, वी आर हैविंग अ स्ट्रक्चर, दैट्स वाई यू विल फील ऑर्गेनाइजेशन। He is a mentee, I am a mentor. There is a flow of knowledge from my side to him. I am preparing notes on board, he is preparing notes on copy, notebook. So that is a kind of organized work. I am delivering lecture, he is covering the lecture. Okay? I am checking the notes, he is preparing the assignment. ये हो सकता था 3 students एक साथ बैठ जाएं, तो ये possible है, टीचर और स्टूडेंट है, तो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नज़र आता है। ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से अचीव हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। व्हाई यू नीड टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज अ वर्क, बिकॉज एम आप सबका एक ही है ना, उसी को अचीव करना है, तो सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना भाई। गाड़ी में हमें चारों को बैठ करके एक पथ पर, एक रोड पर आगे की ओर जाना है, स्टीयरिंग पीछे ऑर्गेनाइज करोगे क्या? नहीं ना, स्टेयरिंग भी आगे लगेगा, डीजल ऑर्गेनाइज करोगे। तो हम सब ऐसे प्लान करते हैं ना ट्रिप से पहले कि ट्रिप ऑर्गेनाइज करना है, तो फिर सबसे पहली लाइन आती है, ओके तुम क्या करोगे? तुम कहते हो मैं खाने पीने का सामान। अच्छा तुम क्या करोगे? मैं पैसे कलेक्शंस कर लूँगा सबसे। ओके तुम क्या करोगे? मैं गाड़ी रेडी कर दूँगा। ओके तुम लोग एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करते समय ये सब चीज़ों की व्यवस्था करते हो कि नहीं? ये व्यवस्था क्यों की?
क्योंकि तुम लोग एक डेस्टिनेशन पे जाने वाले थे, तुम्हारा एक एम था कि हमें ट्रिप में सबको वहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे कि नहीं? बिना ऑर्गेनाइजेशन के अरेंजमेंट हो जाएगा? सब अपना अपना अरेंजमेंट कर लेंगे। जैसे वो अरेंजमेंट करके ले आया स्विमिंग सूट्स, तुम जा रहे थे लद्दाख वो क्या लेकर के आ गए? स्विमिंग सूट, और जा रहे थे हम लद्दाख, तो हम के आगे सवाल आएगा, ये कैसा अरेंजमेंट है बे तेरा, ये कैसा अरेंजमेंट है, कंबल किधर है, स्वेटर किधर है, स्विमिंग सूट का मैं क्या करूँ? तब तुम आपस में कहोगे पूरा ट्रिप्स बेकार ऑर्गेनाइज किया है, सब बेकार ऑर्गेनाइज है। ऐसा क्यों कहोगे तुम लोग? ब्रेक बेकार ऑर्गेनाइज है, व्यवस्था ही नहीं थी कोई। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी? किसी ने इंटरेक्शन ही नहीं की, सिर्फ सब फिर एक एंड में एक आएगा, सारा कम्युनिकेशन गैप है, सारा बेकार, सारा सब बकवास, कम्युनिकेशन गैप क्यों था इतना? तब उससे कोई आके पूछेगा यार देन व्हाट, अगर कम्युनिकेशन गैप भी था तो वो ये कहेगा कि स्ट्रक्चर कहाँ है हमारे इस पूरे प्लान में, वेयर इज द स्ट्रक्चर, कौन क्या काम कर रहा था? तो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएंगे आप, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बेटे तो अरेंजमेंट नहीं है, व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है तो गंतव्य नहीं प्राप्त होगा, यानी कि वो एम नहीं प्राप्त होगा। आई बात समझ में? देखो कैसे शब्द साइंस की तरह ही है, वहाँ पर हो सकता है मोटर का, सीमेंट और ईंटों का इस्तेमाल हो, यहाँ पर आपका, आपके विचारों का, मित्रों का इस्तेमाल हो रहा है, कहानी तो बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, है कि नहीं? सो इन्हें इस तरह से हमें वर्ड्स को, तो टर्म्स कंसेप्ट्स एंड देयर यूज, हर सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक टर्म्स हैं, उनसे जुड़े उनके कंसेप्ट्स हैं, और हर सब्जेक्ट की मर्यादा यहीं से आती है, वरना आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है, मैं किधर उड़ रहा हूँ। चिड़िया उड़ बोला, चिड़िया दबा रहे हैं अंदर, समझ आई? दाना डालने को बोला, उसे दारू पिला रहे हैं। चिड़िया को दाना डालने को कहा था, रात की बची हुई थोड़ा पिलाने को कहा था, ढक्कन में डाल के चढ़ा दी, चिड़िया मदमस्त होके गिर रही कहीं भी, बिल्ली खा गई, खत्म। बिल्ली पूछे ये क्या हो गया, कहते कोई व्यवस्था ही नहीं थी इनकी, तो भैया कोई कमांड ही नहीं थी। अरेंजमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, इट विल हैपन विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन विल हैपन विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चरेशन, स्ट्रक्चरेशन विल हैपन विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल रेगुलर रिपीटेटिव इंटरेक्शंस, इंटरेक्शंस विल हैपन विद द इंटेंट ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड इंटरेस्ट इज टू गो ऑन अ ट्रिप, ट्रिप इज द पर्पस, ओके? तो वी आर शेयरिंग इंटरेस्ट, तो दैट इज, तो यहाँ पर वो नहीं है। कौसी ग्रुप में इट इज एन एग्रीगेट और कॉम्बिनेशन विच लैक्स स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन एंड हुज मेंबर्स मे बी अनअवेयर और लेस अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुपिंग। भीड़ में है, सारे राफ्टिंग करना चाहते हैं मनाली में, 100 लोग लाइन में लगे हैं, पर वो ग्रुप है क्या? वो एक दूसरे को कोई जानते नहीं, एक दूसरे को कंधा लगने पर भी सॉरी, लेकिन अपने दोस्त एक दूसरे को उल्टा धक्के मुक्कियाँ दे रहे हैं, सॉरी मांग रहे हो, क्योंकि पता है अपन एक ही चुल्ल में है, देसी भाषा में गए अपन ग्रुप में है, अपना सिस्टम है एक, उनका नहीं है, ओके? और वहाँ पर हम अलग वे में बिहेव कर रहे हैं ग्रुप, तो एक कौसी ग्रुप में भी हमारा ग्रुप हो सकता है। मैंने क्या लाइन बोली? एक कौसी ग्रुप में भी हमारा ग्रुप हो सकता है, ये हम अभी आगे समझने वाले हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है। ये कैसे हो जाता है? जैसे कई बार ऐसा होता है, जब हम इनके अभी उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि आप किसी फैमिली गैदरिंग में पहुँचे हैं, भाई बहुत फैमिली गैदरिंग है, कोई आप किसी को जान नहीं रहे, कुछ पहचान नहीं रहे, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे उसमें से चार लोगों को मिले, ओके सॉरी थोड़ा कोल्ड ड्रिंक गिर गया आपका, नहीं कोई बात नहीं, आई विल मैनेज इट, नो प्रॉब्लम, बातचीत हुई, और क्या करते हो आप? मैं बस कुछ नहीं, सिविल्स की तैयारी, ओके मैं भी वही कर रही हूँ। तो ये दो, इन्होंने उनको आवाज़ दे, कम, ये अभी मिले, ये भी सिविल्स, तो मैं भी सिविल्स, तो चारों जुड़ गए। टेबल ढूंढे अलग से, कोई टेबल देखते हैं खाली वाला, टेबल दे लिया खाली, और अपने ही लगे हुए हैं अब अपने सब। बाद में घर गए, फ़ोन पे चालू, मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम चालू हो गए, अपना ग्रुप बना गए, अब ये एक समय में सोशल ग्रुप हो जाएंगे, एक समय में हो जाएंगे, लेकिन मिले या किसी भीड़ में ही थे। तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे अगर कोई कौसी ग्रुप है तो वो किसी टाइम या सरकमस्टेंसेस में सोशल ग्रुप हो सकता है,
अगर कोई कौसी ग्रुप है तो वो किसी टाइम या सरकमस्टेंस के तहत सोशल ग्रुप भी तो हो सकता है ना। हाँ हो सकता है, ऐसा ही होता है। ओके तो ये भी चीज़ें हैं, तो ये भी तो हो सकता है। एक समय का कौसी ग्रुप पूरा का पूरा एक समय का या एक सरकमस्टांसेस के तहत सोशल ग्रुप हो जाए, एक समय का कौसी ग्रुप एक समय में सोशल ग्रुप हो जाए, इट विल हैपन। और ये होगा अभी, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो सोशल ग्रुप के लक्षण हमें वैसे इस लाइन से समझ आ गए, अब आप ज़िंदगी भर कभी इसे भूलोगे नहीं। पॉइंट अब आपको खुद ही पता है कि सोशल ग्रुप के पॉइंट क्या है। पहला, परसिस्टेंट इंटरेक्शन टू प्रोवाइड कॉन्टीन्यूटी। इफ आई विल नॉट कम्युनिकेट विद द रंजीत, रंजीत इज नॉट कम्युनिकेटिंग टू मी फॉर द 5 or 7 days, मैं लेक्चर नहीं दे रहा पा रहा, उनको सेंड नहीं कर पा रहा, वो कंटेंट नहीं सेंड कर पा रहे, 8-9 दिन के बाद हमारा लिंक ब्रेक हो जाएगा, हम दोनों एक दूसरे के लिए वैनिश हो जाएंगे। बीइंग अ ग्रुप, सोशल ग्रुप, सिविल सर्विसेज ग्रुप, हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, सिंपल। तो परसिस्टेंट इंटरेक्शन नहीं रहने से कॉन्टीन्यूटी ब्रेक हो जाती है, तो परसिस्टेंट इंटरेक्शन होनी ज़रूरी। जैसे गाँव के बाहर पीपल के नीचे बैठे 5 बुज़ुर्ग परसिस्टेंट इंटरेक्शन ज़रूर करते हैं, एक बार दिन में ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनकी क्लोज ग्रुप बना है। इसी तरह से पंचायत बन जाएगी, इसी तरह से पंचायत बन जाएगी, क्योंकि पंचायत उस समाज के लिए सरोकारी है। क्यों? मैं परसिस्टेंट इंटरेक्शन है, किसी दूसरे गांव की पंचायत इस गांव की पंचायत के लिए, इस गांव के लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उस गांव की पंचायत की इस गांव के लोगों के साथ परसिस्टेंट इंटरेक्शन नहीं है। इस गांव के लोगों के लिए वो पंचायत एक कौसी ग्रुप हो सकती है, सोशल ग्रुप नहीं। इस गांव के लोगों के लिए इन्हीं की पंचायत सोशल ग्रुप होगी, क्योंकि गांव के लोगों के साथ वो पंच सरपंच रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहे हैं और परसिस्टेंटली करते जा रहे हैं। सो परसिस्टेंट इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो पहला गुण तत्व यह है, यानी कि पहली क्वालिटी ये है, या फैक्टर ये है, या एलिमेंट ये है कि परसिस्टेंट इंटरेक्शन टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी होना चाहिए। दूसरा, अस्टेबल पैटर्न है, एन मिट गया लगता है, या मैंने लिखा ही नहीं, अस्टेबल पैटर्न ऑफ दिस इंटरेक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेबल पैटर्न? आई एम इंटरेक्टिंग विद रंजीत ऑन मंडे, वी आर इंटरेक्टिंग अबाउट सिविल सर्विसेज। अब आप लोग भी समझें, आप लोग हर रोज सोशल ग्रुप तो बनाते हो, मंडे को, वेडनेसडे को तुम्हारे सोशल ग्रुप खत्म हो जाते हैं। कैसे? मैं मंडे को इन्हें सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ट्यूसडे को भी पढ़ा रहा हूँ, वेडनेसडे को मैंने देखा कि पैसे वैसे अच्छे खासे हैं, वेडनेसडे को मैं लगा इनके साथ बिजनेस की प्लानिंग है करने, थर्सडे को हम ट्रक डालने की सलाह कर रहे हैं, और फ्राइडे को बस भी डाल लें, संडे को बात कर रहे हैं यार मुर्गी फार्म आपकी ज़मीन में खोल लें, और उसके बाद अलग ही बात चल रही, यार मेरा पंगा पड़ा है थोड़े लड़के लेके आ जा, और फिर उधर ही चल पड़े, ये कुछ बन गए, मैं कुछ बन गया, हम दोनों कुछ ही बन गए। क्या हमारी इंटरेक्शन का पैटर्न स्टेबल था? नहीं। मुझे पहले दिन भी आपके साथ जो चर्चा करनी है उसका उद्देश्य तैयारी होना चाहिए, और अंतिम दिन भी जो चर्चा करूं उसका उद्देश्य तैयारी ही होना चाहिए। मेरी और आपकी इंटरेक्शन का पैटर्न सिलेबस पैटर्न स्टेबल चाहिए, पैटर्न चेंज नहीं करना। आज शर्ट जीन पहन के आए हैं, कल कुछ और ही, उसके बाद कुछ और ही, फिर कुछ और ही, ये ग्रुप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा मुझे। सो पैटर्न मस्ट बी वेरी वेरी स्टेबल। आई बात समझ में? इससे इंटरेक्शन, इसीलिए अचानक से उसी ग्रुप से अगर कोई 4 किताबें पढ़ के आ जाता है, विदेश जाके आ जाता है, तो आप फिल्मों में डायलॉग सुनते हैं, वो बात अब भी कर रहा है लेकिन वो बातें अलग कर रहा है, वो कह रहा है वो बब्बे वो कुछ नहीं रखा जाता पाता जे भाई। तो 4 बंदे ये कह रहे हैं भाई तेरी तो बातों का लेवल ही बदला हुआ है भाई, हैं वो कुछ और ही गप्पे आग रहा है, वो उनको पैटर्न वर्ड नहीं आ रहा, वो लेवल कह रहे हैं, लेवल वो कह रहे तेरे तो लेवल ही बदला हुआ है, या तो ये खुद अलग हो जाएगा उस ग्रुप से, या वो उसे इसे उठा के बाहर उसे देखते ही सैड हो जाया करेंगे। ऐसे ही तैयारी वाले कैंडिडेट भी करते हैं, जब कोई 5वां जो पहले तो उनका घना था मित्र था, अब आकर के वही बातें, यार कल मॉडल टाउन है, मतलब टायर की शूकें निकलवा दी, मतलब मैंने तो नवा टायर डलाया था, गुड्डी 1.5 इंची थी, आधी छोड़ी, मतलब
प्रकाश बेकरी से लेकर के वो नेशन तक, कौन सा नेशन है मुझे नहीं, बाबी क्यू नेशन वाले तक गुड्डी आधी उड़ाई इंच उड़ा दी, तब आप मन में सोच रहे हैं यार मतलब कहाँ तो विदेश नीतियाँ बनानी है हमने, कहाँ ये अभी भी गुड्डियाँ के सहारा है, सहड़ करो।